तो एक जमाना हमारे ऊपर ऐसा गुजरा है कि लोग एक दूसरे का एहसास करते थे। ये बगदाद की कहानी है। एक शख्स सिर्फ ये देखने के लिए आता है कि ये लोग इज्जत क्यों इतनी ज्यादा पा गए। उसने एक होटल से खाना खाया, वो मुसलमान नहीं था, और सामने टेबल पे एक जवान बैठा था, वो मुसलमान है। उसने महसूस किया कि इसका ताल्लुक हमारे शहर से नहीं है। खैर, काउंटर पे जाके उसका बिल दिया और उस साहिब ने खाना खाया, बिल देने के लिए काउंटर पे गया तो कहा, आपका बिल अदा हो गया है। कहा, यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं, मैं अजनबी हूँ। कहा, ऐसे ही है, एक मुसलमान था और उसने आपका बिल दिया और चला गया। रुका इसलिए नहीं कि आप शुक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे, तो उसने ये भी अपने लिए मुनासिब नहीं समझा, कहीं ये नफ्स की गजा न बन जाए। वो इस बात से मुतासिर हुआ, फिर एक दुकान पे गया, उसे कोई चीज चाहिए थी। जब दुकान पे गया तो उसने कहा, ये चीज मुझे चाहिए, कीमत तय हुई। तो दुकानदार पता क्या कहता है? वो कहते हैं, भाई इसी मयार की इसी कीमत में वो जो सामने दुकान है, अगर ये चीज तुम उससे खरीद लो तो तुम्हें कोई इस पे एतराज तो नहीं। कहा, मुझे चीज चाहिए। वो सामने दुकान पे गया, उसने वो चीज खरीदी, खरीद के जाने लगा, लेकिन ये तजस्सुस था, इसने ऐसा मुझे क्यों कहा? ये खुद भी तो नफा ले सकता था, फायदा तो इसे भी हो सकता था, लेकिन इसने मुझे उसके पास क्यों भेजा? दोबारा फिर पलटता है और आके कहता है, भाई वही मयार है, वही कीमत है, लेकिन उसके पास भेजने का मकसद क्या था तेरा? उसने कहा, भाई सुबह से इस वक्त तक मेरे पास बड़े गाहक आए हैं और मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए रिजक रोटी इकट्ठी कर ली है, और वो जो सामने भाई है उसके पास सुबह से लेकर इस वक्त तक कोई गाहक भी नहीं आया, तो मेरी आरजू थी कि तू उससे जाके खरीद लेता ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए रिजक रोटी ले जाता। एक ऐसा जमाना था, हमारे अखलाक इतने अच्छे थे, हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे, आज तो जलील करते हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मुकदमा आया, बड़ा अजीब सा। एक साहिब ने जमीन खरीदी और एक ने बेची। जिसने जमीन खरीदी उसने हल चलाया तो उससे खजाना निकला, और वो खजाना लेके जिससे खरीदी है उसके पास आ गया और आके कहता है कि भाई मैंने जमीन खरीदी है, जमीन के पैसे दिए हैं, इस खजाने के पैसे नहीं दिए, ये आप मुझसे ले लो। और जिसने बेची है वो कहता है, भाई ये तुम्हारे मुकद्दर, ये मैं नहीं लूंगा, ये तुम्हारे ही है। उनका आपस में तनाजा हुआ, हजरत उमर के पास आ गए, वो दे रहा है वो ले नहीं रहा। आज भाई भाई एक इंच पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, आज एक इंच पे भाई जीवना मरना खत्म कर रहे हैं अपने भाई से, अपनी औलादों को भी नसीहत करके जाते कि चचा को मुंह नहीं लगाना। और उधर क्या है, जो रसूलुल्लाह ने अखुवत का दर्स दिया था उन कौम को, उन लोगों को, और वो कितने अच्छे लोग हैं, वो खजाना दे रहे हैं वो ले नहीं रहा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास फैसला आया तो आपने फरमाया, तुम दोनों साहिब औलाद हो? कहा, हाँ। एक ने कहा, मेरी बेटी है, जिसने जमीन बेची थी उसकी बेटी थी, जिसने खरीदी थी उसका बेटा था। कहा, दोनों का निकाह कर दो और वो जो खजाना है वो बेटी को जहेज में दे दो ताकि वो खजाना दोबारा उसके पास चला जाए। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें अच्छे अखलाक अता फरमाए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जजाकल्ला।